सोलो क्या करेगा? तो मैं आप लोग बाइट चल वाइट ऑन करना पीछे कंग्रेचुलेट पहले ही कर दिया तो अच्छी बात है, मतलब आपको अच्छा लगा म्यूजिक भी अच्छा। गाने लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं, चाहे गाजी के टाइटल सॉन्ग की बात करूं या आए वतन की बात करूं, और हम सभी जो है गाने से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए सर आपको मैं सुना देते हैं, आए वतन सुना देते हैं। जब भी किसी फिल्म, क्योंकि हमने आप देखा है कि आप लोगों की फिल्म में आने से पहले गाने बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लोगों की जुबान पर होते हैं, चाहे इसके लिए तो हम काम करते हैं कि लोगों को पसंद आए गाना, और जितना लोग सुने सच्चा जो तारीफ है उसमें, और मैंने 100 मिलियन व्यूज ले लिया है उसमें बहुत फर्क है, वो एक महसूस होने लगता है यू नो, क्योंकि व्यूज तो कैसे भी मिल जाता है, अभी मैं डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, व्यूज़ मिल जाते हैं कि मेरा वीडियो 10 मिलियन व्यू किया, 20 मिलियन व्यू किया, आप तो जानते हो कि कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन जब लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है गाना तो लोग जो जनता जो है ना, उन लोगों का रिएक्शन और उन लोगों की जो अंदर की फीलिंग है वो समझ में आ जाता है, वो एक एक क्या बोलते हैं, एक माहौल क्रिएट होने शुरू हो जाता है, जो मेरे ख्याल से राजी का म्यूज़िक ने किया है, कि हम लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि क्या है। ओके सर, अगर म्यूजिक की सर अगर बात करिए तो हमेशा हम आपको एक अलग अलग म्यूजिक आप हमेशा लेकर आते हैं, अलग अलग तरीके से एक अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो कितना वक्त लगता है सर एक गाने को तैयार करने में, उसका म्यूजिक तैयार करने में? कभी कभी कि जैसे ए वतन कुछ 5 मिनट में बन गई, जो कंपोजिशन था मतलब कि शंकर मतलब कि लिरिक्स को देखते पढ़ते पढ़ते कंपोज करने लगा, पुरंतरा बन गई, सब सब ऐसे हो रहा है। कभी कभी टाइम लग जाता है क्योंकि एक तो कॉम्पोजिशन है, फिर प्रोडक्शन है, डबिंग, कोरस, काम तो बहुत होता है, तो मतलब कि 2-3 महीने तो लगते हैं, मगर कॉम्पोजिशन में कभी कभी टाइम लग सकता है, नहीं तो कभी कभी तो मतलब जैसे 5 मिनट में हो जाता है। ओके, ऐसी ऐसी कोई बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ती है, मतलब एक जैसे कि मतलब कि क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट की याद रखें, कि हम जो फिल्म म्यूजिक बना रहे हैं वो फिल्म के लिए बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि स्पेशली एक फिल्म जो राजीव जैसी फिल्म है तो स्क्रिप्ट ड्रिवन है, जिसकी स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कैसे आइटम सॉन्ग नहीं डाल सकते हैं, जब आप एक भांगड़ा सॉन्ग डालते हैं इसमें नहीं हो सकता है, जो 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 फिल्म है उसके लिए हमने हमें गाना बनाना पड़ता है, तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और ऐसे ही जब भी लोग बोलते हैं कि हमारे जो हर एल्बम अलग बनते हैं, क्योंकि हम हर एल्बम स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाते हैं, हर कॉम्पोजिशन स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, तो मतलब अगर रॉक ऑन हो या राजी हो या जो भी हो, मिर्जिया हो, सब अब देखेंगे हर सॉन्ग ट्रैक अलग देखेंगे, इसीलिए। ओके सर, आलिया जैसी नई कलाकार है जो अभी जो एकदम जो नई है, और जो स्टोरी जो मूवी की है वो एक अलग तरीके की है, तो कितना चैलेंजिंग होता है उसके लिए म्यूजिक तैयार कर रहा हूँ? हर प्रोजेक्ट तो चैलेंजिंग होता ही है, क्योंकि अगर आपको वो स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करना हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड मेहनत ऊपर ऊपर से नहीं होता है, जब आप डिटेल्स में घुसते हैं ना, डिटेलिंग में, अभी आप एक गाना देखेंगे दिलबरो, इसी पिक्चर का गाना देखेंगे, तो उसमें हमने कश्मीरी फोक सॉन्ग का रिसर्च करना पड़ा, फिर बाद में कश्मीरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करना पड़ा, फिर वो जो रीजन है, वो जो इलाका है, वो जो पीरियड है, वो जो माहौल है, वो अपने म्यूज़िक में उतार लेना चाहिए, उसके बगैर मज़ा नहीं है, तो अगर आपको उस तरह का काम करना है तो यू चैलेंजिंग ही होता है ना। अभी राजी टाइटल सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कोई यू नो कश्मीर अफगानी म्यूज़िक, कश्मीरी म्यूज़िक, कहीं पर एक एक रिश्ता भी है, एट द सेम टाइम इट्स बॉलीवुड, क्यों बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वी हैव मेंटेन दोज एस्थेटिक्स, थोड़ा सा उसका एक फ्लेवर, थोड़ा सा उसका एक तड़का, उसका एक मज़ा लेना चाहिए लोगों को, कि आप बगैर पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहीं उस रीजन का है शायद। मिर्जा सर की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि हर किसी के साथ में काम नहीं करते हैं, आप उनमें से ऐसे एक हैं जो कि आप लोग चुनिंदा हैं, आप लोग के साथ में वो काम करते हैं, और इस गाने में
आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ में? वो तो आशीर्वाद है और क्या बोलते हैं, सही कहा है उन्होंने, ये एक आशीर्वाद है हमारे लिए कि हमको उनके साथ बैठ के म्यूज़िक करने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठ के यहाँ जहाँ बैठे हैं हम लोग साथ मिलके खाना खाते हैं हर रोज़, और म्यूज़िक के अलावा भी हज़ारों टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम लोग खुल के बोल सकते हैं कि गुलजार साहब ये जो वर्ड है इसके बदले मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, और वो इतना ओपन है, इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ कि बिल्कुल जो भी आप सजेशन दो उसके साथ वो चलते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में वक्त लग जाता है, ये रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश आपको करना हो विद अ पर्सन लाइक गुलजार साहब और फॉर एग्जांपल जावेद साहब, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट, जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने किया है जिसके वजह से वो हमको एंटरटेन करते हैं, नहीं तो वो तो खड़ा भी नहीं करेंगे हमको। बस वही जो बोलते हैं इसके साथ ऐसा कि वो इतने नॉलेजबल आदमी हैं और इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं, इसके साथ काम करना अगर कुछ आपस में कुछ वाइब्रेशन ना हो नहीं तो नहीं हो सकते। तो वी वाइब्रेट विद हिम, मतलब कि हम बात करते हैं कितने अलग अलग चीज़ के बारे में, ऐसे नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, तो जो कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए म्यूज़िक ऐसी बनती है। मतलब रोज़ जब मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, जब मैं सवेरे 9:30 का एक कॉल होता ही है उनका, तो मुझे पूछेंगे कि आप पुल के उस पार हो कि पुल के इस पार हो, मतलब ब्रिज है ना, वाशी ब्रिज है ना, तो पुल के इस पार, उससे उनको समझ में आ जाएगा कि कितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पे। पुल के उस पार हो तो मेरे पास बहुत वक्त है बैंड्रा पहुँचते, तो हम लोग बहुत लेंथी डिस्कशन करेंगे कि ये ऐसा लाइन है, इससे शुरू करेंगे, क्या करें। टेलीफोन में हमारा बहुत काम होता है, बहुत डिस्कशन होता है, बहुत ये होता है। तो यू नो फर्स्ट जब उनको आइडिया आता है एक गाने के बारे में तो मुझे फ़ोन करते हैं वो पहले, और डायरेक्ट हेलो बोलने से भी पहले डायरेक्टली वो गाने के लिरिक्स बोलने शुरू कर देते हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, तो मुझे 2 मिनट के लिए लगता है कि कौन सा आ दे, हाँ अच्छा ये दिलबरो गाने का है, देन यू नो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। सो कमाल है। ये सबसे पहली बात तो ये एक ट्रू स्टोरी है अबाउट एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक अपना जीवन को बर्बाद कर दिया वतन के लिए, खुद का पर्सनल लाइफ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, और ऐसे बहुत कम लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका नाम कभी कहीं छपता नहीं है या कहीं आप दिखेंगे नहीं, बट इन्होंने अपने वतन के लिए दे हैव डन अ लॉट, दे हैव प्रिवेंटेड अ बिग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम हैपनिंग, तो इसकी स्टोरी है। और मेघना इज अ वेरी ट्रू पर्सन, अ ट्रू डायरेक्टर, उन्हें उनमें कोई, आप जब मेघना को मिलेंगे ना उसमें कोई फेक चीज़ है ही नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे आपको लगेगा नहीं यार तो ये कुछ बनावटी लग रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शी इज़ वेरी ट्रू। तो जो सच्ची बात है वो सच्चे तरीके से करेगी, तो उनको म्यूज़िक भी सच्चा चाहिए, लिरिक्स भी सच्चा चाहिए, अरेंजमेंट भी सच्चा चाहिए, आप थोड़ा सा भी समझो रॉक डालो या कोई तो भी एक, चलो यार थोड़ा पॉपुलर बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग, तो शी वॉन्ट्स टू स्टे वेरी ट्रू टू द फिल्म, टू द स्टोरी, टू द स्क्रिप्ट एंड टू द पीरियड एंड टू द फील ऑफ द फिल्म। ओके सर, वतन से जुड़ा हुआ गाना है तो मतलब कुछ लाइनें उसके बीच में इमोशनल भी हैं, तो आप कितना इमोशनल उभरते हो बनाते हो? कौन से बने? ये वतन वाले जो है, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, और जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम गाते हैं, जब भी हम सुनते हैं, एक ऐसा एक मुझे परसों एक SMS आया था मेरे दोस्त आकृति कक्कर के, इट स्टर्स अप अ वेरी स्ट्रेंज इमोशन, अब जब सुनते हो वो गाना, मतलब अगर आपको थोड़ा भी प्यार है अपने वतन से, अगर आप वो गाना सुनोगे तो इट विल स्टर अप दैट इमोशन विद इन यू, ये होना ही चाहिए। ये भी चीज़ है कि ये जो वर्ड्स और जो ट्यून है आप दिल में रख सकते हैं, कहाँ भी जा सकते हैं दुनिया में, और यू कैन सिंग फॉर योर कंट्री, आप लंदन में चल रहे हो, अकेले चल रहे हो तो आप गा सकते हो कि है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं, शब्द का भी आप यूज़ देखिए, जहाँ शब्द का, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं,
याद रहे तो। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सर एक रिएक्शन चाहिए था आप लोगों से कि सरोज खान जी का ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उनका ऐसा कहना है कि जो समथिंग अबाउट द प्लास्टिक काउच, एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट एंड आई डोंट थिंक वी वांट टू कमेंट ऑन इट। उनका ऐसा कहना है कि प्लास्टिक काउच जो है, मेरे ख्याल से हम क्या है कि ये टॉपिक से रिलेवेंट ही बात करते हैं, इट्स बेटर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू। Thank you.